हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज आई हूँ मैं फार्म, जो हमारे यहीं गांव के साथ फार्म थी, जहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ लगा के रखी है जो मैं ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ। तो सब्जियों को हार्वेस्ट करने आई हूँ। तो गाइस, मेरे टमाटर भी हो गए हैं तैयार, तो आज मैं इनकी भी हार्वेस्टिंग करूँगी। कुछ चेरी टमाटर है, कुछ बड़े वाले भी है। ये तो बारिश की वजह से अगर ऐसे मौसम रहा तो सारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सारे पत्ते गल जाएंगे टमाटर के और टमाटर भी सड़ जाएंगे। बस जैसे जैसे जो भी पिल्ला पड़ा है, मैं सारे टमाटर को ही तोड़ के घर ले जाऊंगी। ये देखो मेरी तोरिया, इसमें तोरिया लग रही है। ये तो ये पेड़ ना बहुत पुराना पेड़ है, तो इसलिए मैं यहीं पे ही, मतलब जो भी कुछ बेल बूल होती है तो यहीं पे लगाती हूँ, इसी जगह लगाती हूँ, क्योंकि इसमें वो जान ही नहीं इस पेड़ में। चलो इसी के काम ही सही। तो बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और इसकी बेल सब में फैली हुई है नीचे भी, ये देखिए। और ये मैंने मार्केट से लाया था ये वाला बीज, वो वाला तो लोकल बीज है, ये वाला, ये वाली तोरी का तो मार्केट से लाया था। बड़ी मुश्किल करके इतना सा हुआ है ये, बहुत मुश्किल करके। और ये घिया भी अप्रैल का लगा है ये बीज, सूखे की वजह से ना बिल्कुल छोटा ही रहा, जबकि मैं इसमें पानी भी देती थी। मेरी गोभियाँ भी हो रही है अब तैयार, कुछ हमने खा भी लिए सब्जियाँ।
तो आज ना बिल्कुल फॉगी मौसम और बहुत ही प्यारा सा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट की है, बैंगन भी हार्वेस्ट किया है और टमाटर भी। ये हाइब्रिड के टमाटर है, मिट्टी में लग गए थे थोड़े, तो इसमें मैंने कुछ मतलब झाड़ी ऐसी तो लगा के रखी है, फिर भी थोड़े मिट्टी में लग रहे हैं, फिर और लगानी पड़ेगी। और ये देखिए चेरी टमाटर बिल्कुल गुच्छे की तरह लगे हैं। तो आजकल जो टमाटर का रेट है हमारे यहाँ पे, मैंने परसों लिए थे 2 दिन पहले, क्योंकि अपने खेत में तब तैयार नहीं हुए थे, तब मैंने लिए थे 90 रुपये किलो मार्केट से। और जितनी भी सब्जियां हैं ये भी 60 और 70 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सब्जियां लोकल नहीं बेचते लोग, तो सब्जियां आती हैं बाहर से या सोलन या चंडीगढ़ से। लोकल यहाँ पे कोई भी सब्जी नहीं बेचते, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बगीचे हैं सेब वगैरह के, तो यहाँ पे जगह ही नहीं होती सब्जी बेचने के लिए। और कई बार नेपाली बीज लेते जो खाली खाली खेत होते हैं, पर लोकल बंदे कभी नहीं बेचते, तो इसलिए इतना महंगी है यहाँ पर सब्जियाँ। और वो फिर तो फ्रेश सब्जियाँ तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें तो केमिकल पड़ा होगा। तो ये अपने खेत की फ्रेश सब्जी, इसमें कोई केमिकल नहीं है, खाद नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ गोबर पड़ा है, ना कोई स्प्रे है, तो ये ताज़ा और फ्रेश है। मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं है। मैं इनकी बना रही हूँ सब्जी बैंगन की, और इसमें टमाटर डाल के मैं शाम के लिए सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैं लंबे बैंगन का कुछ भी नहीं बना सकती, ना इनके भरवा बैंगन बना सकती हूँ, ना इनका भरता बना सकती हूँ। तो मैं फाइनली इसकी बना रही हूँ सब्जी। Thank you.